दोस्तों आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों जीवन में हम जिन चीजों को अपने लिए चुनते हैं या जिन लोगों का हम चुनाव करते हैं, हमारे दोस्त, हमारा जीवन साथी, ये सब बातें हमारी सोच और मानसिकता का बहुत हद तक प्रदर्शित करती हैं। हमारी काबिलियत से ज्यादा ये इस बात को दर्शाती है कि वास्तव में हम हैं क्या। ऐसी ही ये तस्वीर है। इस तस्वीर में आपको 8 आकृतियां दिखाई दे रही होंगी। प्रत्येक आकृति अपने आप में खास है और आप जिसका चुनाव करते हैं वो आपके स्वभाव और व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ बताती है। तो चलिए चुनिए इनमें से एक आकृति और हम बताएंगे आपको एक गहरी बात। बताने से पहले, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको लगातार मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली आकृति। अगर आपने पहली आकृति चुनी है तो इसका अर्थ यह है कि आपके भीतर बेहतरीन नेतृत्व क्षमता है। आप एक अच्छे प्रबंधक, वक्ता और श्रोता हैं। आपकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि आप परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल लेते हैं। दूसरी आकृति। दूसरी आकृति का चुनाव करने वाले लोग खुद को ठेकेदार मान सकते हैं। आप चीजों को सुचारू रूप से चलाते हैं और कोई परेशानी आने पर परिपक्वता के साथ उसे डील करते हैं। आप जो भी काम करते हैं उसे पूरा करने के बाद ही चैन से बैठते हैं। तीसरी आकृति। जिन लोगों को तीसरी आकृति आकर्षक लगी है, वे लोग वैसे तो बहुत काबिल और सक्षम होते हैं, लेकिन अक्सर उनकी इसी काबिलियत को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। इन्हें कई बार लोगों के संदेह का शिकार भी होना पड़ता है। चौथी आकृति। चौथी आकृति की ओर आकर्षित हुए लोग हर बात की तह तक जाते हैं। उतली बातें इन्हें पसंद नहीं आती। हर घटना का विश्लेषण करना, चीजों को तोड़ मरोड़ कर देखना, हर पहलू पर नजर रखना और पूरी तरह संतुष्ट होने के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचना, ये सब इनकी आदत में शुमार होता है। इनमें एक अच्छे वैज्ञानिक के सभी गुण होते हैं। पांचवी आकृति। पांचवी आकृति को चुनने वाले लोगों की कल्पना शक्ति कमाल की होती है। इन्हें आप अंतर्ज्ञानी मान सकते हैं, जिनके इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होती है। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में भी ये लोग हमेशा सफल रहते हैं। छठी आकृति। छठी आकृति का चुनाव करने वाले लोग बहुत रचनात्मक प्रकृति के होते हैं। ये अपने सिद्धांतों को लेकर बहुत गंभीर होते हैं और अपने मार्ग से कभी नहीं भटकते। यही वजह है कि इन्हें अपने जाल में फंसाना या अपने अनुसार इन्हें ढालना किसी के लिए भी मुश्किल हो सकता है। सातवीं आकृति। बेहद भावुक इंसान होते हैं वो लोग जिन्हें सातवीं आकृति पसंद आई है। आप किसी की भी सहायता करने के लिए तैयार रहते हैं। आपकी ये बात लोगों को बहुत पसंद भी आती है। दूसरे लोग आपके साथ नम्र व्यवहार करते हैं। जब आपको कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं तब आप भावुक होकर कमजोर हो जाते हैं। आठवीं आकृति। आखिर में जिन लोगों को आठवीं आकृति अच्छी लगी है, वे लोग खुद को जुगाड़ू मान सकते हैं। हालातों को किस तरह अपने पक्ष में करना है, किस तरह सामने वाले से काम निकलवाना है, ये सब बातें इन्हें अच्छे से पता है। दोस्तों, क्या आपके द्वारा चुनी आकृति आपके बारे में सही कहती है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों और संबंधियों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।